सलमान खान अब डिजिटल दुनिया से जुड़ने वाले हैं। खबर है कि सलमान अब वेब सीरीज में भी अपना कदम रखने जा रहे हैं। खबर है कि सलमान थ्रिलर वेब सीरीज में नजर आएंगे, लेकिन वो किस बैनर से जुड़ेंगे इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। धमाल सीरीज की तीसरी फिल्म टोटल धमाल को लेकर सुनने में आ रहा है कि फिल्म के निर्माता इस फिल्म को बड़े स्तर पर बनाने का फैसला कर रहे हैं। खबर है कि इस फिल्म में लगभग 12 करोड़ की लागत से VFX वगैरह का इस्तेमाल करके इसे बड़े स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। ब्लॉकबस्टर मूवी बाहुबली और बाहुबली 2 लोगों के सर चढ़कर बोली थी। बता दें, जल्द ही इस फिल्म का तीसरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स ने ट्विटर के माध्यम से सीरीज की घोषणा की है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान चीन में रिलीज होने वाली है। अली अब्बास जफर का मानना है कि चीन भारतीय फिल्मों के लिए अच्छा मार्केट है। बताया जा रहा है कि फिल्म सुल्तान 31 अगस्त को चीन में बड़े पैमाने पर रिलीज कर रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ अपने रिश्तों को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में प्रियंका ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही मीडिया को देखा, उन्होंने अपने हाथ से रिंग को उतार कर जेब में रख लिया। देखिए प्रियंका का यह खास वीडियो। कमल हासन विश्व रूपम 2 के बाद अपनी ही एक सुपरहिट फिल्म के सीक्वल पर काम करना शुरू कर देंगे। वो साल 1996 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सीक्वल बनाने जा रहे हैं। सुना है इस फिल्म में अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं।